सब्सक्राइब करें मेडिसिनल नॉलेज हिंदी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। रिच स्प्रे, ये इसको 100 ml में बनाया गया है। इसका MRP की बात करें तो 350 rupees देता है। वो क्रिशियो हेल्थ केयर के द्वारा बनाया जाता है, फॉर एक्सटर्नल यूज के लिए रहता है। जो लोग अपने ग्रोन एरिया पे वगैरह जो होता है तो उसमें यूज किया जाता है, और इसको जब खुजली वगैरह ज्यादा हो जाती है तो उसमें यूज करता था। रिच स्प्रे के बारे में मैं इस वीडियो में मैं संपूर्ण जानकारी दूंगा कि इसके अंदर कौन कौन से कंटेंट डाले गए, कब तक इसको यूज करने का है, और इसको यूज करने से क्या बेनिफिट है या क्या साइड इफेक्ट है। और रिच स्प्रे अगर आपको डॉक्टर ने रिकमेंडेड किया और आपके एरिया में नहीं मिल रहा है तो आपको इसका अल्टरनेट ब्रांड कौन लेना है, तो वो सब बातें इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा ताकि आपको रिच स्प्रे के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं छोटा सा इंट्रो के बाद। स्प्रे जिसको बनाया गया है क्रिशो हेल्थ केयर के द्वारा, 100 ml का ये स्प्रे रहता है जिसका MRP 350 rupees रहता है। इसको एक्सटर्नली यूज किया जाता है, जैसे कि आपके पीठ के ऊपर खुजली वगैरह आ रही है तो वहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हो, और इजीली ग्रोन एरिया पे आप इसको यूज कर सकते हो। एक एंटी इचिंग स्प्रे रहता है। तो इसके अंदर कंटेंट की बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे कंटेंट डाले गए हैं, जैसे कि इसके अंदर एक्वा प्रोपिलिंग, प्रोपिलिंग ग्लाइकोल एंड यूरिया एंड सिट्रिक एसिड एंड PE40 हाइड्रोक्विनोनोल एंड बहुत सारे अदर इंग्रेडिएंट इसके अंदर डाले गए हैं, जैसे कि इसमें ओक एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट एलोवेरा, NAB, बटर बर्च एंड ये सब कंटेंट इसके अंदर डाले गए, जो कि ये क्या करता है कि इसको बनाया गया है इचिंग को कम करने के लिए। तथा ओल्ड एज वाले रहते हैं तो उनको इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, कॉमन इनका प्रॉब्लम रहता है। तो रिच स्प्रे जो कि एक फ्रेगनेंस फ्री रहता है और डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड रहता है, तो इसको यूज किया जाता है सूत स्किन करने के लिए तथा स्किन को ट्रिगर करने के लिए और इचिंग को फ्री करने के लिए। तो रिच स्प्रे एक पावरफुल स्टेरॉइड फ्री एंटी इचिंग ट्रीटमेंट करता है जो कि लॉन्ग लास्टिंग के लिए रिलीफ देता है इचिंग से वगैरह। तो रिच स्प्रे को कैसे यूज करने का, कि जो भी आपका इन्फेक्टेड एरिया वहाँ पे क्लीन करने का, उसके बाद इसको टॉयलेट से साफ करने का, उसके बाद थोड़ा स्प्रे मारने का, ताकि 1 से 2 वीक यूज करने से आपको ये रिलीफ मिल जाएगा। तो रिच स्प्रे के बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है वहाँ पे पूछ सकते हो। चैनल पे और वीडियो पे पहली बार आप विजिट किए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।